आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री वीकली कॉनकॉल में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे एग्री पैक के अंदर हमने जबरदस्त एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। चाहे हम कैस्टर की बात करें, यहाँ पे हमने 4.5% की तेजी देखी। जीरा धनिया, यहाँ पे भी तेजी देखी, जहाँ पे जीरे के अंदर 6% की तेजी, धनिया में 2% की तेजी, हल्दी में 3% की तेजी। गवार सीड, गवार गम में हमने काफी मिक्स व्यू बनते हुए देखा, जबकि मेंथा और कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है, डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की आइटम है जो जिस ढंग से ऑर्निकॉन के बाद इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, कहीं ना कहीं आगे जाके जबरदस्त तेजी का माहौल कैस्टर में बनता हुआ दिखाई देगा। फ्रेश बाइंग के चलते हमने प्राइजेस में एक काफ़ी बड़ी तेजी आते हुए देखी है, जो 70-50 का भी लेवल दिखा चुकी है। टेक्निकली अगर देखें तो थोड़ा ओवरबॉट है क्योंकि RSI 74 पे पहुंच चुकी है, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है। अगले हफ्ते थोड़ा भी पुलबैक मिलता है, जो 6950 से 7000 का लेवल मिले तो लेके चलना चाहिए। ओवरऑल 7500 का इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल 8000 का टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम मसालों में हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी एकाएक हमने लास्ट दो सेशन में ही जबरदस्त तेजी देखी है और प्राइस 10200 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इसमें भी RSI 70 के पार निकल चुकी है, अराइवल सामने है, जिसके चलते हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बड़ी तेजी अभी नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म या 3 से 4 महीने की अवधि की बात करें तो डेफिनेटली 12,500 से 13,000 का लेवल दिखा सकता है, बट एक बार फिर से प्राइजेस 9,000-9,200 का लेवल दिखा सकता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। ऐसा ही कुछ हाल जीरे का है। जीरे में हमने जैसे पहले कहा था आपको कि इस बार स्विंग में कमजोरी रहेगी, यील्ड में ड्रॉप रहेगा, जिसके चलते जबरदस्त तेजी जो आएगी वो 15 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आएगी, और ऐसा ही हुआ कि हमने इसमें नया हाई 22,000 का भी लगते हुए देखा है। कहीं ना कहीं शॉर्ट फ्रेश बाइंग जरूर है, बट मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा RSI पे जो 90 पे पहुँच चुकी है, इसका मतलब है मार्केट सीवियरली ओवरबॉट कंडीशंस में है। यहाँ पे आपको नई लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए बचना चाहिए। एटलीस्ट प्राइजेस 19,000 तक का पुल बॉक दिखाता है, वहां पे नई बाइक बनती है। नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदी में व्यू ले रहे हैं। हमें लगता है जून तक आपको 25,000 के ऊपर, मतलब 28,000 भी दिखा दे, बट एज ऑफ नाउ 25,000 तक के ओवर व्यू दिखाई दे रहे हैं, बट टाइमिंग कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करनी है। धनिया की अगर बात करें तो धनिया के अंदर भी हमने फ्रेश बाइंग के चलते 2% से ज्यादा की तेजी बनते हुए देखी है। RSI इसमें 83 पे है, जो ओवरबॉट जोन बता रहा है। लॉन्ग टर्म 18,000 का टारगेट हमारा रिवाइज रहेगा, बट प्राइजेस 9,000-9,200 के पुलबैक पे आना जरूरी है नई तेजी के लिए। गवार सीड, गवार गम हमने अभी भी न्यूट्रल व्यू ही रखा है, बट ध्यान रखिए US से 2 पॉजिटिव न्यूज आई है। एक तो रिग काउंट बढ़ रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं US नया हम बोल सकते हैं कि राहत पैकेज की घोषणा कर रहा है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि गवार सीड, गवार गम में अब तो मार्केट रेंज बाउंड है, बट मार्च 20 ऑनवर्ड्स एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। मेंथा ऑयल रिंग बाउंड रहेगा, बट लेकर काम कर सकते हैं। कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं ना कहीं एक पुलबैक की जरूरत है। कॉटन से बचकर कॉटन सीड ऑयल केक पे ध्यान दीजिए। कॉटन में हमें लगता है 36,500 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है, उस पुलबैक पे फिर से बाइंग करेंगे जो 40,000 तक का लेवल दिखा देगा। बट कॉटन सीड ऑयल केक अभी भी तेजी का रुख है, जो 3400 का लेवल तोड़कर 3600 का लेवल दिखा देगा फरवरी के बाद। एज ऑफ नाउ 3100 के करीब मिले तो लेके चलिए 3350 के टारगेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।